नरेंद्र मोदी मार्च के शुरुआती सप्ताह से ही लगातार लोकसभा चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में हर रोज 3 से 4 सभाएं संबोधित करते हैं। लोगों से संवाद के आधार पर उनका पूरा विश्वास है कि उनकी सरकार के खिलाफ कोई हवा नहीं है और वे सत्ता में वापस लौट रहे हैं। अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच मुंबई में उन्होंने प्रदेश के सबसे बड़े मीडिया हाउस लोकमत के साथ बातचीत का वक्त निकाला। पीएम मोदी के साथ लोकमत समूह के संपादकीय संचालक ऋषि दर्डा और लोकमत के विशेष संवाददाता यदु जोशी ने खास बातचीत की। अगर विवाद की कोई बात है तो वह साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी नहीं है, यह कांग्रेस और उसकी कार्यप्रणाली का जटिल तानाबाना है जो वसुदेव कुटुंबकम की सोच रखने वाली 5000 साल पुरानी संस्कृति को बदनाम करने का भरसक प्रयास कर रही है। कांग्रेस की वोट बैंक की गंदी राजनीति ने उस संस्कृति को मैला किया जिसने दुनिया को ज्ञान और वैज्ञानिक जानकारी दी, तो यह कांग्रेस का पाप है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। आपको याद होगा 1984 में जब इंदिरा गांधी की मौत के बाद उनके बेटे ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है। उसके बाद हजारों सिख भाइयों बहनों को सड़कों पर मार दिया गया, फिर भी वह प्रधानमंत्री बने और हमारे तथाकथित निष्पक्ष मीडिया में तब सन्नाटा था। कांग्रेस की सरकार ने ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न भी दे डाला, तब किसी की कांग्रेस से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। आज जबकि कांग्रेस एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना रही है जिस पर 1984 के दंगों में भाग लेने के गंभीर आरोप हैं, वही राज्य जहां साध्वी जी उम्मीदवार हैं, तो फिर एक बार तथाकथित निष्पक्ष मीडिया मौन साधे हुए है। तथाकथित निष्पक्ष मीडिया तब भी मौन ही है जब कांग्रेस के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष जमानत लेकर अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको हेडलाइंस में इनका जिक्र कभी भी घोटाले के आरोपी या जमानत पर रिहा के तौर पर नहीं मिलेगा। तो क्या इन सारे मामलों में साध्वी प्रज्ञा के अलावा किसी अन्य की उम्मीदवारी को विवादित करार दिया गया है? जब अदालतों ने कह दिया है कि साध्वी प्रज्ञा चुनाव लड़ सकती है तो उनकी उम्मीदवारी पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर प्रतीक है जो हमें कांग्रेस द्वारा देश और जनता के साथ किए गए पापों की याद दिलाता है। वे डरे हुए हैं कि उनके द्वारा काफी सावधानी के साथ किए गए दुष्प्रचार की कलई खुलने वाली है और वह हर पाप की कीमत अदा करेंगे।